इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार मुंबई महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में कुछ विशेष पाने के लिए विशेष कार्य करना आवश्यक होता है। वह विशेष कार्य विशेष साधन सामग्री से विशेष समय पर विशेष व्यक्तियों द्वारा ही संभव है। सामान्य कार्य सामान्य व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं और सर्व सामान्य क्षेत्र में सर्व काल में संपन्न होते रहते हैं। जो अल्प काल में अपना फल दे देता है वह अल्पकालीन फल देने वाला कार्य अल्पकालिक ही होता है। जैसे टमाटर का पौधा महीने दो महीने अपना फल दे देता है किंतु अपना फल दे करके वह नष्ट हो जाता है। या और भी कोई ऐसे सब्जी या फल के पौधे होते हैं जो महीने दो महीने चार महीने फल देते हैं, उनकी जिंदगी भी अल्पकालिक होती है। किंतु नारियल का पेड़ कहिए तो 20 साल बाद फल देता है, उसका फल भी उत्कृष्ट होता है और उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है। किसी व्यक्ति को कोई रोग है, यदि तत्काल में लाभ चाहिए तो तत्काल में जो वस्तु लाभ दे रही है वह लाभ भी तात्कालिक है, दीर्घकालिक नहीं है और संभव है उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो। जैसे कोई बहुत तीव्र दर्द होने पर पीड़ा वेदना होने पर क्या करते हैं आप लोग, पेन किलर लेते हैं। किंतु पेन किलर कोई औषधि नहीं है। उसके उपरांत कोई व्यक्ति एलोपैथिक औषधि लेता है, इंजेक्शन कैप्सूल्स टेबलेट्स, कोई होम्योपैथिक लेता है, होम्योपैथिक हो चाहे एलोपैथिक, इनके फल भी अल्पकालिक हैं और ये निरापद नहीं है। इनके साथ में पीछे से कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। आयुर्वेदिक समय ज़्यादा लेती है किंतु संभव है रोग को जड़ से दूर करे। एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूपंचर भी है, नेचुरोपैथी भी है, योगा है, प्राणायाम है, ये सब जितना ज़्यादा समय लेते हैं उतने दीर्घकाल तक सुखद परिणाम भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जो चाहता है मुझे सफलता आज ही मिल जाए तो उसकी सफलता का फल भी अल्पकाल में नष्ट हो जाएगा और जो चाहता मुझे सफलता चाहे भली 100 साल में मिले किंतु सफलता का सुखद फल मैं कई भवन तक चाहता। श्वान वृत्ति वाला व्यक्ति श्वान की तरह से श्वान भौंकता है किसी व्यक्ति पर और उसके हाथ में लाठी हो तो श्वान उस लाठी को खाने दौड़ता है, लाठी को मुंह में पकड़ता है। किंतु सिंह वृत्ति वाला व्यक्ति जो होता है वह श्वान जैसा कार्य नहीं करता। सिंह क्या करता है, यदि कोई लाठी या किसी प्रहार करे तो सिंह उसे नहीं पकड़ता, प्रहार करने वाले व्यक्ति पर सीधा जाके प्रहार करता है। ऐसे ही लघु व्यक्ति लघु बुद्धि वाली व्यक्ति वे अल्पकालिक समाधान खोजते हैं, मुझे तत्काल में समाधान मिल जाए बाद में फिर देख लूंगा। और किंतु जो बुद्धिजीवी होते हैं
जो गंभीर होते हैं, जो गूढ़ होते हैं, जो महान होते हैं, वे अपनी छोटी सी समस्या का भी उत्कृष्ट समाधान खोजते हैं और ऐसा समाधान खोजते हैं कि मेरी अकेली की समस्या नहीं, अन्य निकटवर्ती लोगों की समस्या का भी समाधान होता है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी जी ने औषधि की बात कही है, औषधि का सेवन करना चाहिए। अविवेकी व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति, रोग से अनजान व्यक्ति औषधि का सेवन नहीं कर सकता, विवेकी व्यक्ति औषधि का सेवन करता है। हमारे जीवन में जन्म जरा मृत्यु आदि रोग लगे हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए औषधि बताई। आचार्य भगवान कुंदकों स्वामी ने कहा, जिन वर्णम परमोषधि, जिन वचन ही परम औषधि है। अथवा आचार्य पद्मनंदी स्वामी जी ने कहा, धम्म रसायनम परमोषधि, धर्म का रसायन ही परम औषधि है। अलग अलग प्रकार से आचार्यों ने औषधि की व्याख्या की। आचार्य कुलभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं औषधि के संबंध में, उनके शब्दों को देखें। औषधम परमं गेयम् धर्मो व्रत तपो जप दान पूजादिकं सर्वं रोग क्लेश विनाशकम्। औषधम परमं गेयम्, ये परम औषधि जानना चाहिए, उत्कृष्ट औषधि। औषधि शब्द कान में जब पड़ता है, यह शब्द कर्ण गोचर होता है, तो स्वतः ही समझ में आता है कि रोग का निदान है, कि ये कोई पहनने की वस्तु है, रहने की वस्तु है, देखने की वस्तु है, समझते हैं। औषधि है तो सेवन करने के लिए। औषधि का सेवन कई प्रकार से किया जाता है, किसी का सेवन मुख से किया जाता है, खा करके, कोई पी करके, किसी का सेवन शरीर पर लगा करके किया जाता है, किसी औषधि का सेवन न खा करके, न पी करके, न शरीर पर लगा करके, सूंघ करके किया जाता है, किसी औषधि का सेवन उसका स्पर्श करके किया जाता है, और किसी औषधि का सेवन सर्वांग से, पूरे शरीर से किया जाता है। जैसे धूप आदि में बैठकर ये विटामिन डी आदि की कमी हो तो उससे भी पूर्ति होती है। महान भाव, ये औषधि तीनों योग से सेवन करना है, मनोयोग से, वचन योग से और काय योग से। तीनों योग से औषधि का सेवन करना ये विधि है। औषधि सेवन करना किसको है? शरीर को नहीं, वचनों को नहीं और मन को नहीं, आत्मा को सेवन करना है। इसलिए आत्मा में विद्यमान रोग विनष्ट हो जाए। जहां रोग है वहीं औषधि का प्रयोग करना है। रोग यदि आत्मा में है तो शरीर को औषधि खिलाने पिलाने से आत्मा का रोग ठीक नहीं होगा। यह शरीर, वचन और मन, यह तो इसकी विधि है। जैसे कोई औषधि आप चम्मच में लेकर के आप उसका सेवन करते हैं, किसी को अपनी हथेली पर रख करके चूर्ण से लेते हैं, किसी को जल में मिला करके लेते हैं, किसी को किसी अन्य पदार्थ में दूध आदि के साथ लेते हैं, विधि है, किंतु सेवन करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे ही औषधि का सेवन करने वाली तो आत्मा है, और विधि क्या है? मन के द्वारा, वचन के द्वारा और तन के द्वारा उस प्रकार की अनुरूप प्रवृत्ति करके आत्मा को निरोगी बनाना है। तो इन औषधियों का मिक्सअप करना है, मिला करके, जैसे हरल, वैड़ा, आंवला बना करके आपने तफला बना लिया, या पंच सखा चूर्ण बनाया, या त्रिकुट आदि बनाया, या कुछ वस्तुएं मिला करके। तो ऐसे ही यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, औषधम परमं गेयम्, उत्कृष्ट औषधि उसे जानना चाहिए। धर्मो व्रत तपो जपः दान पूजादिकं सर्वम्। जिस औषधि में धर्म है वही परम औषधि है, और धर्म क्या है? व्रत। हिंसा नितस्ते ब्रह्म परग्रह व्रतिर्व्रतम्। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह, इन पांच पापों से व्रत होने का नाम ही व्रत है। तो जो व्यक्ति
वो सब धर्म की औषधि का सेवन करना चाहता है, आत्मा को निरोगी बनाना चाहता है, जन्म जरा मृत्यु से अनंत काल के लिए मुक्त होना चाहता है, उस व्यक्ति को धर्म का पहला अंग यह व्रत का पालन करना चाहिए, पांच पापों से व्रत हो जाना चाहिए। तपो निष्प्रह इच्छाओं का रोध करना चाहिए। जो इच्छाओं के जाल में बना हुआ व्यक्ति है वह कभी निरापद सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये बेलगाम इच्छाएं, ये बेलगाम घोड़े की तरह से अपने सवार को कहीं गर्त में पटक देती है। इसलिए इच्छाओं पर अनुरोध करते हुए अपने जीवन में किंचित तप ग्रहण करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार अपनी इच्छाओं को रोको, अपनी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को रोको, नियंत्रण करो, जिससे आपकी आत्मा का पतन नहीं हो। और जो इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करते, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करते, सुनिश्चित है उनकी आत्मा पतित हो जाती है। या तो जीवन में पतन है या जीवन में तपन है, तपन कहिए तो ये तप। तीसरी बात कह रही है जप। जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाश। जप में दो अक्षर है ज और प। ज कहिए तो जन्म आदि का विनाश करने वाला है और प कहिए तो पाप का नाश करने वाला है। रमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। अपनी स्वयं की रक्षा आपको करना है, कोई दूसरा आकर के रक्षा नहीं करेगा। महान भाव यहां कहा कि औषधि है जाप लगाना। यदि आप अपना मन जाप में नहीं लगाओगे तो मन तो ये दौड़ जाएगा। और मन की गति जल की तरह से है। मन की अरुणल नीर की गति ये कहकर जो 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 ऊंचो हुए चले त्यों त्यों नीचो हो। पानी को चाहे मोटर के माध्यम से कितना ऊंचा पहुंचा दिया जाए किंतु पानी बह करके कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। और जब तक वह मोटर के माध्यम से पानी ऊपर जा रहा है तब तक ऊपर है, और जैसे वहां से बंधन से मुक्त हुआ तो नीचे। ऐसे ही मन पर जब तक संयम है तब तक मन उत्थान की ओर जाएगा। और जो मन के ऊपर से मन रूपी हाथी से अंकुश रूपी संयम हटा दिया त्यों वह मन पतित हो जाएगा और आत्मा को भी पतित करेगा, पापों की ओर ले जाएगा। इसलिए जाप करने से मन शुद्ध होता है, जाप करने से मन पवित्र होता है। और जिसका मन पवित्र है पाप उसके पास आने में घबराते हैं, डरते हैं। और जिसका मन अशुद्ध होता है उसको पाप आकर के घेर लेते हैं, अभिशाप आकर के घेर लेते हैं। इसलिए कहा कि जाप करना चाहिए। दान पूजा अधिकम सर्वम। और क्या करना चाहिए? दान जो चार प्रकार का दान आप जानते हैं, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान व उपकरण आदि दान व सप्त क्षेत्रों में दान करना। दान देने से धन के अर्जन में हुआ पाप नष्ट होता है। ये दान प्राश्चित है कि आपने आरंभ सारंभ किया उसमें जो पाप का अर्जन किया दान के माध्यम से धुल जाता है। जैसे वस्त्र पर लगा हुआ रक्त का दाग रक्त से नहीं धुलता, उस रक्त को खून को धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ऐसे ये ग्रस्त को अपने जीवन में जो पाप अर्जन किए जा रहे हैं आरंभ आदि के माध्यम से उनका प्रक्षालन करने के लिए दान आदि प्रवृत्ति करना आवश्यक है। और आगे कह रहे हैं पूजादिकम। आज तक संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने किसी की पूजा नहीं की हो और पूज्य बन गया। जो भी संसार में पूज्य कल बना था आप पूज्यता को प्राप्त हो रहा है या कल पूज्यता को प्राप्त करेगा, उसने नियम से अपने इष्ट की उस मार्ग के अग्रगामी की नियम से पूजा की है। आज जो साधु बन के पूजा को प्राप्त हो रहा है कल उसने साधु की पूजा की होगी। आज जो भगवान बन के पूजा को प्राप्त हो रहा है पूर्व कल में उसने भगवान की पूजा की होगी। आज जो सज्जनों के द्वारा मान सम्मान को प्राप्त हो रहा है कल उन्होंने सज्जनों का मान सम्मान किया होगा।
और जो दुष्टों के द्वारा प्रशंसनीय है उसने कल दुष्टों की प्रशंसा पूजा की होगी। तो पूजा की बिना कोई पूज्यता को जीवन में प्राप्त नहीं होता। महानुभाव, जीवन निस्संदेह बड़ा अमूल्य है, और यदि इस अमूल्य जीवन में हम सार्थक कार्य करते हैं, रोगी व्यक्ति के लिए सार्थक कार्य है रोग का विनाश करने के लिए औषधि का विधि पूर्वक सेवन करना। आचार्य महोदय के शब्दों में, रोग क्लेश विनाशकम, ये परम औषधि, रोग जन्म जरा मृत्यु आदि रोग का, और क्लेश कहिए तो आर्त रोध ध्यान आदि का, यह सब का विनाश करने वाली। संसार जैसा आज है वैसा कल भी था, और जैसा आज है वैसा कल भी रहेगा। आपके यहाँ पर रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचो हम संसार में न रहे तो क्या संसार लुप्त हो जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप तो अपने भावों के कारण अपने भव का बंद करके वहीं पहुंच जाओगे। तो संसार की जो गति चल रही है चलती रहेगी, पहले भी चलती थी। आज जिनके लिए आप रो रहे हैं, आप जिनके लिए आप रो रहे हैं, कल वे आपके मरने पर रोएंगे। मृत्यु होने पर, मरने पर रोने वाले लाखों मिलते हैं। मरने पर रोने वाले, आंसू बहाने वाले लाखों मिलते हैं। मुझे तो उसकी तलाश है, मुझे तो उसकी तलाश है जो मेरे रोने पर मरने को तैयार है। महानुभाव, वह क्या है? मेरा स्वयं का धर्म, मेरा स्वयं का कर्तव्य, मेरा स्वयं का संस्कार, मेरा स्वयं का संयम, मेरा स्वयं का विवेक जो मेरी आत्मा की आश्रित है। वह मेरी आत्मा का आश्रित रहेगी। वह यदि विछुड़ता है, यदि मेरा कोई चीज मेरी आत्मा को छूटता है, तो फिर आत्मा नहीं, वह गुण भी शास्त्र ये प्राप्त करना चाहता है। जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे जीवन सफल और सार्थक हो जाए। इसलिए बस आज इतना ही कहना है कि औषधि कड़वी भी हो तब भी प्रज्ञ पुरुष उसे ग्रहण करने से कतराते नहीं। औषधि मीठी भी हो तब भी व्यक्ति ग्रहण करता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति वह मीठी औषधि या मीठे ग्रहण करता है, चाहे हानिकारक ही क्यों ना हो, और बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है। औषधि कैसी भी हो, औषधि हो, रोग को दूर करने वाली हो, तो उसे ग्रहण करता है। आचार्य कुलभद्र स्वामी द्वारा ये बताई हुई औषधि, प्रत्येक सदग्रस्त भव्य प्राणियों को नित्य सेवन करना चाहिए, जिससे अनादिकाल के रोग इस आत्मा से निकल सकें, हम परम स्वभाव को, परम आनंद को प्राप्त कर सकें। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।